श्री राम चंद्र जी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जोरदार तालियां इन सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं इस दौर का आखिरी ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देखिए यकीन नहीं हो रहा है कि केबीसी के इस दौर का अंतिम दिन आ गया है। अभी तो हमें और कितनी बार अपने खिलाड़ियों से ये पूछना था, भैया कैसा लग रहा है हॉट सीट पर आकर। अभी तो हमें घर बैठे दर्शकों को न जाने कितनी बार याद दिलाना था कि उन्हें प्ले लॉन्ग खेल कर हॉट सीट पर आना है। अभी तो हमें अनगिनत बार खिलाड़ियों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना था। अभी तो हमें 9 बजे आपके परिवार का हिस्सा बनना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार वापस आने के लिए हमें जाना पड़ता है। हम तो जा रहे हैं लेकिन साथ ले जा रहे हैं आपकी कहानियां, आपके जज्बात और आपका साथ। वो साथ जो 9 बजते ही आपको टीवी के सामने और हमें इस मंच पर खींच लाता था। 9 बजे के समय ने हमें केवल अपना साथ ही नहीं दिया, उसे एक संबंध भी बना दिया। वो संबंध जो सपनों के रथ पर सवार है, जिसमें मेहनत की गूंज है, हौसलों की ललकार है, जिसका एक एक पल ज्ञान का त्योहार है, जिसकी लाइफलाइन आप सभी का प्यार है। उस संबंध के सम्मान में आपको इस दौर का आखिरी बार आदर आदाब अभिनंदन आभार है। तो देवियों सज्जनों, जीवन की सबसे कठिन देखिए विडंबना यही होती है कि जो हाथ पकड़कर आपका सफर तय करता है उस सफर को रोक पाना उनके हाथों में नहीं होता है। हम सफर को तो रोक नहीं सकते लेकिन ये तो हमारे हाथों में होता है कि जाते जाते इस सफर को कैसे एक यादगार बना करके छोड़ दिया जाए। हमारे इस फिनाले वीक को यादगार बनाने में कई खास मेहमानों ने हिस्सा लिया और वो खास मेहमान केवल वो नहीं जो यहाँ इस मंच पर आए हैं बल्कि वो जो आप जैसे दर्शकों की तरह हमारा साथ देते रहे। आप हमारे लिए बहुत खास हैं। तो देवियों सज्जनों, इस दौर का अंतिम खेल हम आपके साथ, आप हमारे खास मेहमानों के साथ खेलने जा रहे हैं। आज इस दौर के आखिरी प्ले लॉन्ग में हमारे 10 नए खिलाड़ी, प्ले लॉन्ग खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी मेहनत और सारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मेरा नाम प्रियांशी जैन है, मैं दमोह मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं केबीसी की अदालत में अपनी किस्मत का फैसला करने आई हूँ और यहाँ से जीती हुई धनराशि से मैं अपने पापा का बिजनेस सेटअप कराने में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा नाम सूर्यजीत भट्टाचार्य है, मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सुंदर सा राज्य त्रिपुरा के राजधानी अगरतला से आया हूँ। मेरा नाम आराधना कश्यप है, मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से आई हूँ। मैं मौसमी पाल, मैं बेंगलुरु कर्नाटका से आई हूँ। मेरा नाम रियांका शर्मा है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं डॉक्टर इंदु वाशने, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। मैं मनीष कुमार पी पटेल, आनंद गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम श्रद्धा त्रिपाठी है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम है प्रियंका, मैं हूँ अमृतसर पंजाब से। मैं नुमान अली हूँ और मैं कलबुर्गी कर्नाटक से आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इस केबीसी मंच का जिन्होंने मुझे आखिरी प्ले अलोंग में ये सपना पूरा करने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार इन सबके लिए। सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, रेडी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आमतौर पर इनमें से क्या उस शब्द को नहीं दर्शाता है जो लोगों को निर्देश प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? Usually which of these words is not a time when instructions are provided to attendees? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए लेक्चर, बी सेमिनार, सी ट्यूटोरियल, डी सेलिब्रेशन। समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, सेलिब्रेशन। अब देखते हैं डी में किन किन कंटेस्टेंट ने सही उत्तर दिया है, उनके नाम लीडर बोर्ड पे। ओ, दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? श्रद्धा त्रिपाठी जी का, 2.3 सेकंड। ऑल राइट, तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्प्रेडशीट पर कॉलम और रो के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? और स्प्रेडशीट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो कॉल्ड? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए सेल, बी ग्राफ, सी फॉन्ट साइज, या डी फॉन्ट नेम। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए? ए सेल, सेल इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब मोहम्मद नूमन अली का, 1.01 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति थी वो थी कि श्रद्धा त्रिपाठी नंबर वन स्थान पर थी और मोहम्मद नूमन अली पहुंच गया नंबर वन स्थान पर। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किसी की नाड़ी को जांचते समय इनमें से किसका प्रवाह मापा जाता है? द फ्लो विच ऑफ दीज इज मेजर्ड वाइल चेकिंग वन्स पल्स। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए बलगम, बी पसीना, सी रक्त, डी लार। म्यूकस, स्वेट, ब्लड, और इज इट डी सलाइवा। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सी, ब्लड। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, सबकी नब्ज बराबर। अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा, रियंका शर्मा जी, 1.05। ऑल राइट, तो लीडर बोर्ड पे मोहम्मद नूमन अली चल रहे थे नंबर वन स्थान पर, जीत गए। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, मोहम्मद नूमन अली। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कलबुर्गी कर्नाटक में है ये एक जगह, वहां से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू भाई साहब, आप हमारे फिनाले एपिसोड में पहले कंटेस्टेंट बन करके आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो यहाँ पे आना, ये सेट पे आना मैं तो इम्पॉसिबल समझा था सर। जब से ये प्ले अलोंग शुरू हुआ है खेल रहा हूँ, और मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इस साल भी आएगा और साल खत्म होने आया था। और ये आना मतलब मेरे लिए लाइक बहुत मिराकल है ये तो मेरे लिए। और स्पेशल बात ये थी कि मेरे मम्मी को लगता था कि हर वक्त ये सीजन में मेरा आएगा। मैं बोलता था यार ऐसा क्या, 2 साल से नहीं आया, अब क्या आएगा? फिर बट मम्मी नहीं, मम्मी ऐसी होती है मतलब उनको यकीन रहता है अपने बच्चे पे। बिल्कुल सही बात है। तो कंपेनियन के रूप में आप अपनी माता जी को लाई हैं। यस, आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टाइल। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं इनके साथ। गेम के रूल्स तो आपको पता होंगे नुमान जी, उनको बताने की और दोहराने की जरूरत नहीं है। केवल हर बार जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनका ध्यान हम कहते हैं कि जो 3 लाइफलाइन है उस पर रखिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी है 50-50, और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। चलिए प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। ऑलराइट नूमन, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाश्ते और दोपहर के भोजन को मिलाकर खाए जाने वाले भोजन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ मील दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच? ऑप्शन सुनिए, ए स्नैक, बी डिनर, सी हाई टी, या डी ब्रंच।
तो स्नैक तो इवनिंग में खाया जाता है, डिनर रात में, टी तो मतलब अपन को कभी भी चलती है। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्रंच। डी पे थोड़ा लगा जाए, सही जवाब दिया है आपने, 1000 रुपए जीत लिया। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके सामने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गडा किस तरह की दुकान के मालिक हैं? जी सर जी। What type of shop does जेठालाल गडा own in तारक मेहता का उल्टा चश्मा? जी सर जी। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए स्वीट शॉप, बी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सी स्टेशनरी शॉप या मेडिकल शॉप। हिंदी में कह रहा हूं, मिठाई की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, स्टेशनरी की दुकान या दवाई की दुकान। सो सर ये तो मतलब देख 3-4 साल गुजरे हैं इसी में, मतलब तो मैं लॉक करना चाहता हूँ ऑप्शन बी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। बी पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं विमान, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। इनमें से किस पर शॉर्ट्स नामक छोटे वीडियो की सुविधा उपलब्ध है? Shorts is a short video feature available on which of these? A. Twitter, B. Facebook, C. YouTube, या D. WhatsApp. सर ट्विटर पे तो नहीं है, फेसबुक पे लोग बोलते हैं स्टोरीज वगैरह बोलते हैं, व्हाट्सएप भी वैसे ही चलता है स्टोरीज से चलता है, तो यूट्यूब एक ही है जो ये फीचर भी आई गेस मतलब 1-2 साल पहले निकाला है इंस्टाग्राम जैसा, तो ऑप्शन सी लॉक किया जाए सर, यूट्यूब। सी यूट्यूब पे था लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यूट्यूब शॉर्ट्स आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है और कई यूट्यूबर्स अपना अधिकांश कंटेंट शॉर्ट्स के माध्यम से ये दिखाते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आ गई हैं भगवान, यू नो जब से ये कम्युनिकेशन की सुविधाएं मिली हैं, ये हमारे जमाने में ये सब था नहीं, और अभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं 4-4, 5-5 साल वो अपना अपना वीडियो बनाते हैं। ये तो मेरे जमाने में भी नहीं था, मेरे जमाने में तो छोटे मोबाइल हुआ करते थे। हाँ, कम से कम मोबाइल तो था ना आपके पास, हमारे पास तो वो गोली घुमाने वाला था इसे। कौन? उसमें रील है कि नहीं? चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से पालतू जानवर को फीलाइन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जी सर जी। Which of these pets can be described as feline? ऑप्शन सुनिए, ए डॉग्स, बी कैट्स, सी पैरट्स या डी रैबिट्स। कुत्ते, बिल्लियां, तोते या खरगोश। सो सर डॉग्स तो नहीं है और पैरट्स तो बर्ड्स स्पीसीज है उनका अलग ही है और रैबिट्स भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इज परफेक्ट। सो सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, कैट्स। बी कैट्स पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं नुमान। यस, ये भी सही जवाब दिया आपने। एनिमल्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी है, प्रेम है, क्या है? जी जी सर, तो वही मैं कहना चाहता था, तो जो कैट्स है ना सर, मतलब बचपन से मेरा लाइक प्यार है, वही मेरा प्यार है और कैट्स के बगैर मैं जी नहीं सकता, ऐसा है। Really? यस यस, आई हैव टू कैट्स, सो एक का नाम है मुइज़ा और एक का नाम है बुराग, दोनों माँ बेटे है। Okay, okay. और वो मेरे ऐसे साथी है जब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था, ये जो कोविड के टाइम पे वो ऐसे साथी जब वो घर में उनका आना हुआ तो तभी से लाइक मेरी खुशियाँ स्टार्ट हो गई है सर। Really? ये हैं, अरे बहुत प्यारे हैं। यस सर। सर ये जो मदर कैट है ना सर, उसके ये मदर कैट है सर, ये है मुइज़ा, शी इज लाइक वो इंसान ही है मेरे लिए। ओके ओके। कभी कभी मेरे को सपने आते हैं ये मेरे को मियाऊ भाषा में बात कर रही है तो मैं भी मियाऊ मियाऊ बात करते रहता हूँ, तो ऐसा हमारा संबंध है सर इनके साथ। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। सर ये मदर और सन डुओ है सर, और ये जो वाइट है ना सर, उसका नाम बुराक है। सो वो जब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, तो मैं ऐसा एक छत पे जाके एक रूम में जैसे करता हूँ, और वो मेरे साथ जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे साथ ऊपर आता है, मेरे साथ बैठता है पूरा दिन, अब मैं लंच के लिए नीचे जाता हूँ, मेरे साथ लंच के लिए भी नीचे आता है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे साथ ऊपर आता है, सो वो मेरा वर्क पार्टनर है, उसको वर्क पार्टनर हो गया। यस, बहुत अच्छी बात है।
नुमान, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, रेडी? ये खेल का पहला पड़ाव है। जी सर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल और कोहिमा के युद्ध भारत के किस भाग में लड़े गए थे? ओके सर। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बैटल्स ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा फॉट? ऑप्शन सुनिए, ए सदर्न, बी वेस्टर्न, सी नॉर्थ ईस्टर्न, या डी अरेबियन सी? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या अरब सागर? सदर्न, वेस्टर्न, सदर्न तो नहीं होता, बी वेस्टर्न ही होगा, अरेबियन सी, इम्फाल एंड कोहिमा। जी सर, सो सदर्न तो कर्नाटक वगैरह ये सब नहीं आते, इम्फाल कोहिमा, वेस्टर्न तो नहीं होगा, अरेबियन सी भी नहीं होगा, वो तो समंदर पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं नागालैंड वगैरह, बट मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन लेना चाहूंगा सर, तो लाइफलाइन 50-50 ले गया। ओके, शांत हो जाइए। यस, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और जो दो गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दिया जाए। मिट गए, नॉर्थ ईस्टर्न और अरेबियन सी दो बचे। जी सर, लॉक किया जाए ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्टर्न। सी नॉर्थ ईस्टर्न पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे लगा कि शायद आप देख जाएंगे कि इम्फाल और कोहिमा है कहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट। जी जी, नॉर्थ ईस्टर्न था, फिर भी ऐसा थोड़ा डर पता है, तो इसलिए। नुमान, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी जी सर। आप एक बहुत ही विशेष कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जी सर। तो सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में हूँ। सो आज के जमाने में सर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंसान का एक हिस्सा बन चुका है सर। तो आप तो सुने ही होंगे एक सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसा जो आ रहा है, जो कि ड्राइवर के बिना चलते हैं। जी। उसमें बस आपको बैठना होगा और वो चलने लगेगी अपने आप, बस आपको बताना होगा कहाँ जाना है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कार भी। ये रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल है, बट कोई भी अपनी जान इस फेज में, टेस्टिंग फेज में रिस्क करना नहीं चाहेगा। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है वर्चुअल वर्ल्ड। जी जी। उसमें ये हार्डवेयर और जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेन करते हैं बहुत सारे एनिमेटेड कैरेक्टर से, जो कि प्योर रियलिस्टिक जैसे है, जिससे हम सिखाते हैं कि हाँ, तुम अगर कोई सामने आया तो तुम रुक जाना, अगर लेन चेंज करना तुम लेन चेंज करना, तो ये सब हम सिखाते हैं यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। तो आप उसकी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करते हैं? जी जी सर। कभी ऐसा डिजाइन डाला है कि सड़क अगर टूटी फूटी हो तो कहाँ जाए? यस सर। तो पहले तो ये है, भारत अभी हम डेवलप हो रहे हैं सर, तो मेन है हमारी जिम्मेदारी रहनी चाहिए, क्योंकि को एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि बिना ड्राइवर से चलते हैं और कार जो ड्राइवर के साथ चलती है, को एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए है ना सर, ड्राइवर को भी बहुत यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, ये मेरा मानना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही रहा है सर, और एक खास बात इसकी ये है सर, ये जो भी ये मतलब सॉफ्टवेयर बना रहे या हार्डवेयर बना रहे, इसमें मेजर योगदान सर, इवन तो बाहर चल रही है गाड़ियां, बट इंडियन माइंड्स का है सर मेजर योगदान। तो सर, यस, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंडियन हार्डवेयर इंजीनियर्स, यस सर। ओके नुमान, तो पहला पड़ाव पार हो गया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। जी सर। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। SUV में S का अर्थ क्या होता है? ओके सर। जो एक प्रकार की कार होती है। What does the S in SUV, a type of car, stand for? जी सर। ऑप्शन सुनिए, ए स्पॉट, बी सेंस, सी स्पीड, डी स्पिरिट। सर सेंस तो नहीं होगा और स्पीड नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड थे बट नहीं है, और स्पिरिट नहीं, ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ बॉक्स है। तो सर ये ए होना चाहिए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, SUV। यस। ओके, क्या करें? ए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, स्पोर्ट। ए स्पोर्ट पे थोड़ा लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं सातवें प्रश्न के ऊपर, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, नुमान ये रहा। रुद्र नील सेन गुप्ता की पुस्तक के शीर्षक के नाम एंटर द दंगल ट्रेवल्स थ्रू इंडियाज डैश लैंडस्केप
कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? जी सर। Which word fills in the blank in the title of this book by Rudra Neel Sen Gupta? Enter the Dangal travels through India's dash landscape. जी सर। All right? जी सर। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए स्विमिंग, बी रेसलिंग, सी बॉक्सिंग और इज इट डी बैडमिंटन। Enter the Dangal. So the word fills in the blank of the book by Rudra Neel Sen. Enter the Dangal travels through India's Dangal. सर दंगल जब होता है मेरे दिमाग में यही आता है कि रेसलिंग बैडमिंटन में दंगल क्यों होगा, स्विमिंग में तो तैरिंग है, समुंदर होना चाहिए था, अंडर द समुंदर जैसा ऐसा कुछ, बॉक्सिंग रेसलिंग दो है, बॉक्सिंग और रेसलिंग। सर दंगल मोस्टली रेसलिंग रिलेटेड ही होता है सर, तो बॉक्सिंग नहीं 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 लग रहा है इसमें, रेसलिंग दंगल यही मैच करे सर, सो ऑप्शन बी रेसलिंग को सर लॉक किया जाए, बी रेसलिंग पे ताला लगाया जाए। बॉक्सिंग की बात कर रहे थे आप? जी सर। वहां भी एक किस्म का दंगल ही होता है बॉक्सिंग, ऑपोजिशन होते हैं, दो लोग लड़ते हैं उसमें, लेकिन रेसलिंग बिल्कुल सही जवाब है आपका। Enter the Dangal, ये रुद्र नील सेन गुप्ता जी की एक पुस्तक है जो भारत की कुश्ती यात्रा का वर्णन करती है। जी सर जी। ऑलराइट नुमान, आगे चलते हैं आठवें प्रश्न के ऊपर, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? जी सर जी। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एसआई इकाई को एक किलो द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का एक्सेलरेशन प्रदान करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है? विच एसआई यूनिट इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मास ऑफ 1 kg विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ए न्यूटन, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी मोल। सर पहले तो ये एम्पियर करंट के लिए यूज हुआ जाता है, केल्विन टेम्परेचर रिलेटेड रहते हैं, और मोल शायद से मॉलिक्यूलर लेवल ऐसा कुछ होता है, और परफेक्ट मैच इज सर ऑप्शन ए न्यूटन, लॉक किया जाए ऑप्शन ए न्यूटन। ए न्यूटन पे कह रहे ताला लगाया जाए। जी सर। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? जी सर ये केल्विन तो सर ये टेम्परेचर में यूज़ हुआ जाता है या एम्पियर करंट में यूज़ होता है, बट फोर्स जब यूज़ होता है जो ये साइंटिस्ट के नाम पे भी है सर, न्यूटन जो जिसने इन्वेंट किया था ये सब, तो उसके नाम पे भी है, इसलिए होना चाहिए सर। जीत गए सर आप। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। हाँ। इतने आप बड़े सेलिब्रिटी हो और आज इतना फिनाले का एपिसोड है, और उसमें सुबह से जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है सर, वो वंस इन अ लाइफ टाइम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट जैसे मिल रहा है सर। तो सर मैं चाहता था सर मैं और सारे कंटेस्टेंट के साथ अगर आप एक सेल्फी थोड़ा दे दे सर, ताकि मैं भी। हाँ हाँ, सेल्फी ले लेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पे सेल्फी ले लेंगे। कैन वी हैव समथिंग? सो विल ऑल द कंटेस्टेंट्स कम, विल टेक अ सेल्फी। Yeah, okay. Okay. Thank you, Ram. So, ये तस्वीर हम आपको देंगे। Thank you so much, Gandhi. Thank you. अरे देखो आ गया कि नहीं यार? हाँ आ गया। अरे क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। All right, Nuwan. ध्यान आ जाए आपके खेल के ऊपर। Ready? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। ये है नवा प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रमण्य भारती मुख्य रूप से किस भाषा में कविता लिखते थे? जी सर। इन विच लैंग्वेज डिड द फ्रीडम फाइटर महाकवि सुब्रमण्य भारती प्राइमरली राइट हिज पोएट्री? ओके। ऑप्शन सुनिए, ए
मलयालम बी तेलुगु सी तमिल या डी तुलु। महाकवि सुब्रमण्य भारती के मलयालम तमिल तेलुगु तुलु तुलु भाषा तेलुगु सुब्रमण्यम भारती सुब्रमण्यम मलयालम। सर मैं सोच रहा हूँ सर लाइफलाइन ले लूँ ये प्रश्न पर। Okay. तो सर लाइफलाइन मैं लेना चाहता हूँ। कौन सी? शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर यहाँ पे मैं वीडियो कॉल फ्रेंड करना चाहता हूँ सर। निमान वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन ले लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। निमान आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये हैं वो तीन नाम। एक है डॉक्टर अभिषेक रतकाल। जी सर। दूसरे हैं दशरथ भाटी और तीसरे हैं जाहिद सैदानी। सर मैं सोच रहा हूँ सर डॉक्टर अभिषेक रतकल को मतलब उनसे बात करूं। अभिषेक रतकल जी, जी सर right, जी सर डॉक्टर अभिषेक रतकल इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी सर। क्या करते हैं ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं या शिक्षक के डॉक्टर? जी सर ये डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर है प्लस ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है। ओह ओके डॉक्टर अभिषेक प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। सच अ प्लेजर मीटिंग यू। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब हमारे सामने मोहम्मद नुमान अली बैठे हुए हैं हॉट सीट पर सर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। उन्होंने एक अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल की है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आपको वीडियो कॉल लगाया गया है। यस सर। तो एक प्रश्न आएगा उनके आवाज में उसके yes, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। यस सर। आपको 45 सेकंड के अंदर विद इन 45 सेकंड्स आपको yes, उत्तर देना होगा। यस सर। तो अगली आवाज होगी मोहम्मद नुमान अली की। रेडी नुमान आपका yes, समय शुरू होता है अब। यस सर। इन विच लैंग्वेज डिड द फ्रीडम फाइटर महाकवि सुब्रमण्य भारती? तमिल। तमिल। महाकवि सुब्रमण्य भारती तमिलियन। यस तमिल। तमिल। ओके सर थैंक्स अ लॉट सर। या सर आई एम श्योर अबाउट दिस सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो जवाब ही दे दिया सर। तो सर ऑप्शन सी तमिल सर लॉक किया जाए। सी तमिल पे थाला लगाया जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही थे। थैंक यू सर। महाकवि सुब्रमण्य भारती 20वीं सदी के तमिल भाषा के पत्रकार लेखक और कवि थे। उन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत अद्भुत कविताएं लिखी थी। ओके नुमान अगला प्रश्न होगा खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर, सर। क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 3,20,000 रुपए 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी सचिन तेंदुलकर। सर इतना तो मैं देखता नहीं हूँ क्रिकेट बट बहुत बार ऐसा सुनता हूँ कि विराट कोहली बहुत फेमस है लाइक उनका शायद से विराट कोहली तो लाइक बहुत फेमस है। महेंद्र सिंह धोनी भी है ऑब्वियसली। रोहित शर्मा भी कैप्टन बने। सचिन तेंदुलकर भी फेमस बट जो सोशल मीडिया एक्टिव ज़्यादा मैं ज़्यादा देखता हूँ वो विराट कोहली ही रहता है। मतलब बहुत सोच रहा हूँ रिस्क लूँ या फिर कैसे करूँ सर। रिस्क बहुत रिस्क लेना बेकार है यहाँ पे सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। शांत हो जाइए। जी सर बहुत बेकार है रिस्क। जी सर आपके पास एक ही बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस फोन की। जी सर इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया जनता ने भी बी विराट कोहली को 48%। जी सर। सर ऑप्शन बी लॉक किया जाए सर विराट कोहली। बी विराट कोहली पे ताला लगा जाए। यस इट्स द राइट आंसर। थैंक यू।
इन्होंने खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया, 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है इनके नाम। अरे मत जाए, बहुत बहुत बधाई आपको। नुमान दो तीन चीजें बता दें। जी सर। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं अब ये शांत हो गए हैं, अब आपके पास समय समय है, जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं उत्तर देने के लिए। जी सर। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी जिसका नाम है, 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। जी सर। और यहाँ पर एक तीसरा पड़ाव आपकी बार इस सीजन में रखा है, वो है 15वें प्रश्न पर 75,00,000 रुपए का। ये है धन अमृत पड़ाव। जी सर। इसका भी द्वार खुल गया, आने वाला है आपके पास 11वां प्रश्न, से खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हरिहर और बुक्का को किस साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? जी सर। हरिहर एंड बुक्का आर कंसिडर्ड द फाउंडर्स ऑफ विच एम्पायर? ऑप्शन सुनिए, ए गांधार, बी चोला या चोल, सी जी सर मराठा, डी विजयनगर। गांधारा अंग्रेजी में कहते हैं, गांधार हिंदी में। जी सर। बी चोला, चोल, सी मराठा, डी विजयनगर। सर ऑप्शन सी तो नहीं है सर, ये मैंने मतलब पढ़ा था, बट ए भी नहीं है, मतलब बी और डी में से मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट ये पढ़ा था थोड़ा, हरिहरा एंड बुक्का आर कंसीडर द फाउंडर्स ऑफ विच एम्पायर, हरिहरा एंड बुक्का, चोला या विजयनगरा, तो सा हो सकता है चोला या विजयनगरा। ओके सो कॉल करने पे विजयनगर एम्पायर अगर देखा गया तो ये भी आता है, शायद से सदर्न इंडिया में आता है, डेक्कन में आता है विजयनगर एम्पायर, बी चोला या विजयनगर। ओके सर, जैसे कि ये प्रश्न है 6:40 के लिए, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट जरूर। जी सर। जी कांधारा पे तो जा ही नहीं रहा है सुई मेरी, मराठा भी नहीं, विजयनगर पे ज्यादा मतलब आई एम इंक्लाइंड, तो हरिहरा एंड बुक्का, तो सर ऑप्शन डी सर मैं लॉक करना चाहूंगा, विजयनगर एम्पायर। ओके डी पे ताला लगाया जाए। क्या सोचा था आपने नुमान, ये आपने कहा कि कहीं आपने पढ़ा था देखा था? जी सर पढ़ा तो था, ये डेक्कन में आता है और इट वाज लाइक बिफोर जो बीजापुर सल्तनत या बहमनी है उससे पहले ये सब थे, विजयनगर लाइक इज फेमस एक्चुअली, और चोला भी था, बट मोर आई वाज इंक्लाइंड ऑन विजयनगर क्योंकि थोड़ा पढ़ा जैसा अभी लग रहा तक था। बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, बहुत सारा अनुमान लगा रहे थे आप। जी सर। और हालांकि हमने कहा था आपसे कि आप इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ होएंगे नहीं। जी सर। जी। और आपका जो स्टाइल है ना वो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप एलिमिनेशन करते, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। जी सर। आपने कहा गांधारा नहीं हो सकता, मराठा नहीं हो सकता। जी सर। और आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था चोला और विजयनगर। जी सर। फिर अगर आप चोला खेलते ना तो आप हार जाते। साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसकी स्थापना 14वीं सदी में तुंगभद्र नदी के किनारे हुई थी। जी सर। कितना ज्ञान है आपके पास, विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी आज के समय हम्पी के रुइंस में। जी हम्पी। जी जी सर। कर वेल प्लेड नुमान, वेल प्लेड, क्या बात है, 6,40,000 रुपए। नुमान जी अब इसी तरीके से अगले प्रश्न को आप सामना कीजिए, यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी?
जी सर जी रेडी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जी सर, सबसे लंबा जीने वाला रीढ़धारी जीव कौन है? जी सर। Estimated to live hundreds of years, which is the world's longest living vertebrate? A. Galapagos tortoise. जी सर। B. Greenland shark. C. Aldebra tortoise. D. Bowhead whale. जी सर। Galapagos कछुआ, बी ग्रीनलैंड शार्क, सी अल्डाब्रा कछुआ या डी बोहेड व्हेल। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सही उत्तर देंगे आपको 12.50। कोई लाइफलाइन नहीं है, ये कभी भी आप क्विट करेंगे तो आप 6.40 ले जा रहे हैं खेले, और अगर गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 3.20। जी सर, ये मैंने पढ़ा था, मतलब कहीं पर पढ़ा था शायद से, लाइक टोर्टाइज जो है वो लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर दे लीव, शार्क और बोहेड वेल पे नहीं कुछ ये नहीं है, मतलब बी और डी में, बट अब सेम टोर्टाइज ही आ गया तो यहाँ पे एलिमिनेशन तो बहुत डेंजर लग रहा है सर। गैलापागोस या अल्डाब्रा, गैलापागोस भी सुना जैसा लग रहा है सर, क्योंकि गैलापागोस भी कहीं सुना है, ये तो है। टॉर्टोइस तो 100 ईयर जीते ही है, इट शुड बी, और उसमें गैलापागोस स्पेशल ब्रीड होनी चाहिए ये जो भी टॉर्टोइस के है, बट अगेन लिविंग वर्टिब्रेट, ओके टॉर्टोइस में तो ही है रीट की हड्डी, तो या नहीं या ए या सी हो सकता है सर, रिक्स तो ले सकता था यहाँ पे गैलापागोस के लिए, क्योंकि बट ऐसा प्रश्न आता है कि क्यों लूँ कभी मतलब एक मिल रहा है तो क्यों छोड़ू उसका, तो या फिर बट थोड़ा पता है वो एक मतलब ये होता है, अगर नहीं पता रहता तो थोड़ा मतलब ठीक है कोई बोल सकते थे। सही उत्तर आपको देंगे 12.50 तो आपको हमने बताया, बट अगर पता है और ज्यादा नीचे दे आएंगे आपको 3.20 पे। जी सर, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 6.40 आप जीत रहे हैं। दुख अगर हार गया तो 3.20 से सर, मैं तो सोच रहा हूँ सर यहाँ पे क्विट कर दूँ, क्योंकि दूसरे कंटेस्टेंट भी थोड़ा मतलब मैं भी समय मिल जाएगा और मैं भी एक थोड़ा सेफ पे रहता हूँ, क्योंकि ए और सी में अगर लाइफलाइन रहती तो मजा आ जाता, बट अगेन नहीं है, लाइफलाइन है नहीं आपके पास तो कुछ नहीं क्या करना चाहेंगे दोबारा, तो लेट्स आई वांट टू क्विट सर। ओके, सो अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे, तालियां बजाएंगे। जी सर, जी सर, तुम्हारा बहुत सुंदर तरीके से खेले। जी थैंक यू सर, 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं, तालियां जा रहे हैं इनके लिए सर, थैंक यू सर। और ये 6,40,000 ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, 6,40,000 दाब देंगे इसके ऊपर, 1, 2, 3, 4 कंफर्म करेंगे। जी सर, और ये इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बहुत बहुत बधाई आपको नुमान, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। जी सर। और नुमान, जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा हमारे दर्शकों के लिए, किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं तो यही करता था सर, गैलापागोस टॉर्टोइस ए। जी सर, ए पे ताला लगाया जाए, अच्छा वो नहीं खेले ये गलत होता। ओ सही उत्तर है ग्रीनलैंड शार्क। ओके, ग्रीनलैंड शार्क इज द राइट आंसर। यस, ग्रीनलैंड शार्क्स आर्कटिक ओशन के ठंडे पानी में रहते हैं ये। वे बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जी सर, अनुमान है कि ऐसे ही एक शार्क की आयु लगभग 500 वर्ष है। 500 वर्ष। यस सर। ओके नुमान, बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तालियां बज जाए नुमान के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिव्य संजय, केबीसी के इस दौर की शुरुआत
एक सोच के साथ हुई थी कि कैसे हर भारतवासी को हॉट सीट पर आने का अवसर दिया जाए, और इस प्ले लॉन्ग की सोच को मंजिल तक पहुंचाया आपने, आप जो हमारे दर्शक। आपने प्ले लॉन्ग खेलने के लिए कभी अपने अति आवश्यक काम को टाल दिया, कभी किसी जरूरी फोन कॉल को अनदेखा कर दिया, तो कभी खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि प्ले लॉन्ग खेलने में कोई बाधा ना आए। यह आपके दृढ़ संकल्प और असीम मेहनत का ही परिणाम है जिसने प्ले लॉन्ग को एक विशाल मुकाम पर पहुंचाया। तो आइए सफर की कुछ झलकियां हम देखते हैं। हमारे पास एक वीडियो है, कैन वी सी द वीडियो प्लीज। विविधता से भरे भारत देश को प्ले अलोंग ने जोड़ा। आप सिलेक्ट हो चुके हैं प्ले अलोंग के एपिसोड के लिए। सभी के दिलों में एक रोशनी की किरण जागी और देश के कोने कोने से लोग केबीसी पर अपने सपने लेकर आए। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, वो डायलॉग मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। केबीसी कहाँ पहुँचा दिया, कल तो घर पे हम काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे। यशस्वी सक्सेना ऋषभ पवार जी। सर सच में आप हैं? मैं ही हूँ। अनबिलीवेबल सर। कमाल करे दीदी, कमाल करे दीदी। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर गाली गलौज भी शुरू कर दिया। सर जब पहली बार कॉल आया था तो मम्मी ने कहा देखो आया होगा कोई फ्रॉड वाला, देखो। मुझे इससे पहले भी 2-3 25 लाख के लॉटरी वाले मैसेजेस आ चुके हैं। कई बार आ जाते हैं। आप ही का फोटो है उसमें। हमारा फोटो आप ही का है। वही कुछ खिलाड़ियों ने पूरे देश की जनता को हॉट सीट पर आने की प्रेरणा दी और ये बताया कि एक कोशिश से सभी सपने पूरे हो जाते हैं। एबीसी में आकर आपसे मिलना और साथ में पहली बार फ्लाइट में चढ़ना, ये दोनों मेरे लिए बहुत एक सपना था, और ये सारे सपने इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 22 साल 1 महीना और 9 दिन जब से केबीसी शुरू हुआ है, ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी पहुंचेंगे। सपना नहीं सर, सपना भी इसके लिए बहुत छोटा सा हुआ। इसमें मेरी स्ट्रगल है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन। प्ले अलोंग महज एक मौका नहीं, सपनों को पूरा करने का जरिया बना, जहां किसी ने अपना तो किसी ने अपनों का सपना पूरा किया। यहां आना मेरा सब एक सपना था ही सर, लेकिन आज मेरे पापा का भी एक सपना पूरा हुआ है। सर ये मेरा फर्स्ट चेक है सर लाइफ का, जिंदगी की पहली, ये आपकी पहली कमाई, पहली कमाई। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ आज इस नेशनल टीवी पे, प्ले लॉन्ग को सब बोलते थे कि अरे सब अपने लोगों को बैठा लेते होंगे, नहीं होता होगा, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं है। मैं प्ले लॉन्ग से आया हूँ, आप भी प्ले लॉन्ग खेलते रहिए। सही जवाब है ये, वन प्लस सर इज द राइट आंसर। आपने सही जवाब दिया है। प्ले लॉन्ग को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का आभार, और ये वादा है कि जल्द वापस होगा मेहनत और मौके का ये त्योहार। सभी ने देखा कि किस तरह बहुत से कंटेस्टेंट्स यहाँ आए, विश्वास नहीं था बहुतों को, और अलग अलग उनकी भाषाएं, अलग अलग उनकी मुद्राएं देखने को मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो जो यहाँ आया उसमें ये विश्वास पैदा हो गया कि प्ले लॉन्ग जो है वो सही है। और देखिए प्ले लॉन्ग की वजह से आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो देवी संजो, आज केबीसी के इस दौर का ये अंतिम दिन है और हम बस एक ही दिन दूर हैं अगले साल के आगमन से। हम चाहेंगे कि आने वाला साल जो है वो आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शाहरुख खान की एक फिल्म और पहली जनवरी को उपयोग होने वाला एक अभिवादन भी है? विच ऑफ दीज इज अ शाहरुख खान फिल्म and also a greeting used on the 1st of January. Aur aapke options ye hain aapke samne: A. Jai Ho, B. Happy New Year, C. Kai Po Che, ya D.
मेरी प्यारी बिंदु। समय समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का नाम था, और अब देखते हैं बी में किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है, सभी लोग शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं, सबने सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? श्रद्धा त्रिपाठी जी का 1.06। वेल डन। ओके, तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये, श्रद्धा त्रिपाठी जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। ये ना, इनमें से क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? Which of these is not a prime number? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, A 101, B 103, C 106, D 107, 101, 103, 106, 107। Prime number। समय समाप्त हो गया है, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? C 106। और ये हमारा 106वां एपिसोड भी है। इज 106th एपिसोड। ओके, 106 एपिसोड हो गए, पता ही नहीं चला। अब देखते हैं कि किन के लोगों ने सी में जवाब दिया है। ओहो, दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? प्रियंका शर्मा जी 2.13 seconds। तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थान बनता है। श्रद्धा त्रिपाठी जी प्रथम स्थान पर, प्रियंका शर्मा पहुंच गए नंबर वन स्थान पर। ओके, और आएगा तीसरा प्रश्न, तालियां बजती रहती है सुन लो। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी वाक्यांश का अर्थ किसी चीज को अद्भुत तरीके से समाप्त करना है? Which of these English phrases means to finish something spectacularly? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, A apple of the eye, B tit for tat, C time is money, D go out with a bang। समय समाप्त, सही उत्तर D, go out with a bang, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं D में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब श्रद्धा त्रिपाठी 2.26 seconds, और लीडर बोर्ड पर प्रियंका शर्मा जी चल रही थी प्रथम स्थान पर। प्रियंका जी सामने आ गई हॉट सीट पर प्रियंका शर्मा जी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर में जूनियर असिस्टेंट हैं, और ये इंदौर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रियंका जी। और IIT में जूनियर असिस्टेंट हैं आप, क्या करना पड़ता है आपको? सर, इसमें हम IIT इंदौर के कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स देखते हैं आउटसाइड इंडिया, सो दैट हम इंटरनेशनल फुटफॉल बढ़ा सकें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग, QS रैंकिंग हाई होती है। और एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम लॉन्च करते हैं आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल SAARC कंट्रीज़ के लिए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो हम वो प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आकर यहाँ की स्टडीज़ परस्यू कर सके एंड एनहांस कर सके उनकी डिग्रीज़ को। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी योजना है। आमतौर पर यहाँ से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अब ये आपकी इस योजना में आप चाहती हैं कि बाहर के लोग भारत आकर, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, वेल डन। प्रियंका जी, कंपनी में रूप में आज आप किसे लाएंगे? मैं मेरी मदर को लाई हूँ सर। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में। तो इनको हम बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का, और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है।
तो चलिए प्रारंभ करते हैं सब खेल को। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? प्रियंका जी रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक प्रिस्क्रिप्शन इनमें से क्या खरीदने के लिए दिया जाता है? प्रिस्क्रिप्शन इज यूजुअली गिवन टू बाय विच ऑफ दीज? ए इलेक्ट्रॉनिक्स, बी वेजिटेबल्स, सी मेडिसिन, या डी शूज। सर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जियां, दवाइयां या जूते? सर में से इलेक्ट्रॉनिक्स, वेजिटेबल्स एंड शूज के लिए तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, उसके लिए सिर्फ हमारी मतलब हमारी विश होनी चाहिए तो हम ले सकते हैं। मेडिसिन्स विल बी द आंसर, सी। ओके, सी मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयों पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। आगे चलते हैं ध्यान से। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियंका जी ये एक इमेज प्रश्न है। इस प्रसाधन उपकरण का उपयोग आमतौर पर शरीर के किस अंग पर होता है? On which part of the body is this equipment usually used? Can you see the picture, please? ठीक है, देख लिया? Yes, sir. अब ऑप्शन सुनिए। ए नेल, बी नोज, सी लिप्स, या डी हेयर। नाखून, नाक, होंठ या बाल? सर जनरली ये लड़कियां अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए यूज करती हैं और मैं सबसे ज्यादा करती हूँ, तो ये इसका आंसर है हेयर। हेयर, यस। बाल पे, डी पे, आपको कहना पड़ेगा डी पे ताला लगाइए। डी पे ताला लगाइए, डी पे ताला लगाया जाए, ये भी सही जवाब है आपका। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियंका जी, यस सर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, इनमें किसके प्रकार होते हैं? प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए एडजेक्टिव्स, बी नाउन्स, सी एडवर्ब्स, या डी प्रोनाउन्स। सर प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव ये संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या विशेषण? सर ये नाउन्स के टाइप्स हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। जैसे नाउन्स, जैसे कि हमारे नाम, कैपिटल नेम्स, ऐसा वगैरह, तो दीज आर नाउन्स, तो बी पे ताला लगाइए। बी पे ताला लगाया जाए, कह रहे हैं। सही जवाब दिया। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं वो ये ऐसा कह रहे हैं कि आपकी एक आदत है जो आप लोगों की अंग्रेजी जो है उसको ठीक कर देती है, करेक्ट कर देती है। सर ये ग्रामर मैं कहूँगी, ग्रामर या प्रोनंसिएशंस मेरी हैबिट हो गई है सर, ऐसा कहना चाहूँगी मैं सर, जॉब प्रोफाइल की वजह से। अच्छा, अगर हम कोई एक वाक्य बोल दें तो आप उसका करेक्शन कर देंगी? ओके। यू नो द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज जस्ट अ क्वेश्चन बाय द हीमोग्लोबिन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज़ यू आर अ सोफिस्टिकेटेड रिटोरिशन इंटॉक्सिकेटेड बाय द एग्जुबेरेंस ऑफ योर ओन रोबोटिक की। रियंका जी, 14th प्रश्न, ठीक है सर। 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्लब संगीत की एक शैली है और एक ऐसे नाइट क्लब को भी दर्शा सकता है जहां ऐसा संगीत बजाया जाता है? Which of these is a genre of club music and can also refer to a night club where such music is played? Option A, disco, B, nano, C, rumba, या D, opera. Disco, nano, rumba, या opera. सर opera तो music लग सुनते हैं वहाँ पे, nano, rumba, like, no. Disco is something जहाँ पे लोग जाते हैं night club इनके लिए, मैं भी बहुत जाती हूँ, तो disco. A पे ताला लगाइए। लगा दे ताला? Yes sir. A पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चावल, मूंग, घी, मछली और अक्सर अंडे से पकाया जाने वाला ब्रिटिश व्यंजन केजुरी का नाम किस भारतीय व्यंजन का अंग्रेजीकरण है? द नेम ऑफ द ब्रिटिश डिश केजुरी विच इज मेड फ्रॉम राइस, मूंग, घी, फिश एंड ऑफन एग्स is an anglicization
of which Indian preparation? A. Sambar, B. Kebab, C. Biryani, D. Khichdi. सर सांबर और खिचड़ी तो नहीं लग रहा है क्योंकि फिश और एग्स तो फिश कबाब मूंग के भी भजे होते हैं सर मैं 50-50 लेना चाहूंगी शांत हो जाइए जीजे बाबू मुझे सर कबाब या बिरयानी में कंफ्यूजन लग रहा है तो 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए रियांका जी अपनी लाइफलाइन ले रही हैं और दो जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए जहां जा रहे थे वो निकल गए ए सांबर डी खिचड़ी सर आई विल गो विद डी खिचड़ी डी खिचड़ी पे ताला करना पड़ेगा आपको डी खिचड़ी पे ताला लगाएं डी पे ताला लगा जाए ये सही जवाब है आपका हमको लगा कि शायद आप नाम से समझ जाएंगे सर मैं वो फिश की वजह से कंफ्यूज हो रही थी कि खिचड़ी फिश नहीं खिचड़ी में फिश भी बनता है सर मतलब मैंने आपने नहीं खाया तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता भारत में हमने कई प्रकार के व्यंजनों और खाना पकाने के तरीकों को अपनाया है और अन्य संस्कृतियों ने भी हमारी भोजन बनाने की विधियों को भी अपनाया है इस प्रकार अंग्रेजों ने न केवल हमसे कोहिनूर चुराया है बल्कि खिचड़ी बनाने के लिए हमारी खिचड़ी भी हमसे उधार ले ली तो आपको कौन सा भोजन पसंद है फूड इज सेपरेट थिंग जो सबको पसंद होता भी है लेकिन सर अनदर थिंग एक है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इट्स इलायची बचपन से इसे पता नहीं मुझे क्यों इलायची इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं उसे हर चीज में डालना पसंद करती हूँ लाइक लोग चाय में डालते होंगे हलवे में डालते होंगे तो उसके अलावा शायद सर कॉफी से लेकर कॉफी में इलायची पिज्जा टॉपिंग पे भी मैं इलायची डाल देती हूँ पिज्जा में इलायची सर अगर कुछ भी ना हो तो मैं रोटी के अंदर भी इलायची रख के खा सकती हूँ सर मुझे इतनी पसंद है इलायची और मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि मैं अटेंड क्यों करती रहती हूँ तो इतनी पसंद है कि स्कूल टाइम में मेरा नाम ही सर उन्होंने इलायची रख दिया एंड मेरे बर्थडे पे भी केक पे लिखवा दिया था हैप्पी बर्थडे इलायची इलायची ऑलराइट रियांका जी हाँ जी पहला पड़ाव आपने पार कर लिया 10,000 रुपए जीत लिए हैं एक लाइफलाइन चली गई आपकी छठा प्रश्न आ गया है आपके सामने रियांका जी ये है 20,000 रुपए का रेडी छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी चीज के ऊपर ये रहा ओहो ये एक ऑडियो प्रश्न आ गया है रियांका जी इस गीत के गायक को पहचाने ऑप्शन रखता हूं आपके सामने आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग ए सोनू निगम बी उदित नारायण सी शंकर महादेवन या डी सुखविंदर सिंह सोनू निगम उदित नारायण शंकर महादेवन या डी सुखविंदर सिंह सर जो आवाज सुनी उससे तो यही लग रहा है कि शंकर महादेवन जी ने ये गाया है इस सॉन्ग का नाम है उफ तेरी अदा ओके तो शंकर महादेवन जी को मैं लॉक करना चाहूंगी ओके उनको मत लॉक कीजिए शंकर महादेवन सी ऑप्शन को मैं लॉक करना चाहूंगी सी पे ताला लगा जाए बिल्कुल सही जवाब दिया समय ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना है ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक धन्यवाद तो रियांका जी नया साल आने वाला है नए साल पे बहुत से लोग रेजोल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो एक तो रेजोल्यूशन आपका मैं ही बता देता हूँ आप इलायची खाना बंद करने वाली हैं और कोई रेजोल्यूशन हो क्या रेजोल्यूशन में सर एक तो ये है कि मुझे सिंगिंग में काफ़ी रुचि है शुरू से ही तो सोनू निगम मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स हैं और तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से प्रोफेशनली सीखना चाहती हूँ तो अगर ऐसा हो पाएगा तो इस साल मैं स्टार्ट करूँगी ये मैंने सोचा है 2023 में और आप जाना चाहती हैं स्टेज के ऊपर और हाँ सर क्योंकि मैंने पहले इंडियन आइडल के लिए भी ट्राई किया था सर जब मैं यस सर ट्राई किया था फिर लेकिन तब मैं 12th में थी काफ़ी पुरानी बात है 2011 की बात है तो मैं चाहती हूँ सर दोबारा उसमें अपियर होना लेकिन उसके लिए मुझे क्लासिकल मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि मुझे सीखना चाहिए उसके बाद मैं जाऊँगी उसमें ट्राई करूंगी और मान लीजिए कि ये स्टेज है अगर हम आपसे कहें गाना सुना दीजिए तो सर ड्रीम कम ट्रू है सर आपके सामने गाना तो ये मंच आपका है अब आप गाना शुरू कर दीजिए
सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वाह, वेल डन। थैंक यू सो मच। अब आएगा सातवां प्रश्न आपके सामने, 40,000 रुपए मूल्य है इसका। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में किस पथ प्रदर्शक को दर्शाया गया है? आइडेंटिफाई द पायनियर डिपिक्टेड ऑन द कवर। पिक्चर दिखाई जाए। शीर्षक लिखा है द गर्ल हु क्लाइम्ड माउंटेन्स। इस चित्र में किस पथ प्रदर्शक को दर्शाया गया है? जिसको दर्शाया गया उसको ब्लैंक आउट किया हुआ ताकि आप उसका उत्तर दे सके। रेडी, ऑप्शन सुनिए। ए कल्पना चावला, बी बचेंद्री पाल, सी हीमा दास, डी मलावत पूर्णा। मलावत पूर्णा, हीमा दास, बचेंद्री पाल या कल्पना चावला? सो कल्पना चावला तो स्पेस से रिलेटेड है, हीमा दास हमारी भारत की बेटी हैं जो लाइक इन रनिंग है, एंड बजेंद्री पाल हैं जिन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया था, तो द गर्ल हु क्लाइंब माउंटेन्स से मतलब मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि शायद बजेंद्री पाल हो सकता है, तो बी बजेंद्री पाल को आप लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। वेल डन प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो चित्र आपने अभी देखा ये तंजन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट प्रियंका जी, अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। रेडी? यस सर। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। योग में अंजलि मुद्रा किस सामान्य इशारे से मिलती जुलती है? द अंजलि मुद्रा इन योग और योगा एज दे से इन इंग्लिश रिजेंबल्स विच कॉमन जेस्चर? ए नमस्ते, बी सल्यूट, सी आदाब, डी हैंडशेक। योग में अंजलि मुद्रा किस सामान्य इशारे से मिलती जुलती? योगा नमस्ते, सलाम, आदाब या हाथ मिलाना? सर योगा में मुझे नहीं लगता कि सैल्यूट, हैंडशेक और आदाब जैसी कोई मुद्रा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि नमस्ते ये एक मुद्रा होती है योगा में, तो ये अंजलि मुद्रा हो सकती है। सैल्यूट, हैंडशेक, आदाब ऐसी कोई मुद्रा सर मैंने तो मतलब मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो सर मैं हाँ नमस्ते, हाँ सर अंजलि मुद्रा ए नमस्ते को लॉक करना चाहूंगा। ए पे लगाएं ताला? यस सर लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए, कह रही हैं प्रियंका जी। दो लाइफलाइंस थी आपके पास और जब हम खेल के नियम बता रहे थे तो आपसे कहा था कि लाइफलाइंस की ओर ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है प्रियंका जी कि लगता है कि नहीं नहीं ये तो सही है, इसका नमस्ते ही होगा क्योंकि ये योग के साथ इसका संबंध है, और कई बार वो गलत हो जाता है। अब आपने सोचा कि ये नमस्ते है तो हम अब आपको निराश कैसे करें, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपने देखा होगा कि कैसे अंजलि मुद्रा कोरोना काल में विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने अभिवादन के रूप में अपनाया था। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर। जी बोलिए। सर एक छोटा सा गेम है जो मैं चाहती हूँ सर कि प्लीज सर, सर मैं चाहती हूँ कि आप उसे प्ले करें। अच्छा, तो हमें करना क्या होगा? तो आपको इमोजीज सामने दिखाई देंगे, आपको पहचानना है कि वो कौन सी मूवी है, आप ही की मूवी। ठीक है।
बागबान। यस सर। यस। बागबान, करेक्ट सर। नेक्स्ट। इधर जो है ये नमक छिड़क रहा है। हाँ, ये नमक है। और इधर आम है और बीच में हरा है। हाँ सर। सर नमक हरा आम? आपने तो बोला नमक हरा आम, नमक हरा आम। ओहो, वैसे है। नमक हरा आम, ओके। सर फेल हो रहे हैं हम इस इम्तिहान में। नहीं सर, आपने पूरा बोल दिया था, बस आपने जोड़ा नहीं था। ये देखिए सर। अच्छा अच्छा, अच्छा हमको बताइएगा मत। ठीक, सोचने दीजिए। ये बुनाई है। ये क्या है? चाय है। ये है क्या? रोल जो बना हुआ है। ये ऊन का गुत्था है। ये ऊन है। और वो क्या है? चाय है। तो क्या हुआ? वो चाय। यस सर। ओहो। आज ये कौर आ गया। ये दिमाग है और गाड़ी है। सरकार। यस सर, सरकार। सर वेरी टफ, बहुत अच्छा किया सर आपने। हो गया। ओके रियांका जी, चलिए खेल की ओर ध्यान आ जाए आपका। नवा प्रश्न है 1,60,000 रुपए का, और वो नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इस जानवर के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? Which of the following is not true about this animal? Can we see the picture, please? तस्वीर देख लिया ना? हाँ सर। ओके, अब आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। ए, इट्स इंग्लिश नेम मीन्स रिवर हॉर्स। बी, इट कैन ब्रीद अंडर वॉटर। सी, इट इज प्राइमरली अ हर्बीवॉर। डी, इट इज फाउंड इन अफ्रीका। हिंदी में देता हूं आपको। इसके अंग्रेजी नाम का अर्थ है दरियाई घोड़ा। बी, ये पानी के अंदर सांस ले सकता है। सी, ये मुख्य रूप से शाकाहारी है। डी, ये अफ्रीका में पाया जाता है। सर दरियाई घोड़ा तो ये है, अंदर अंडर वाटर ब्रीथ भी कर ही लेता है। शाकाहारी नहीं है सर ये प्राइमरीली। आपके मन में कोई संकट आ रही हो? आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, जल्दी बोलिए, 4 सेकंड रह गए। सर डी को लॉक करना चाहो। डी, ताला लगाया जाए। सर सॉरी, मैं डर गई थी। प्रियंका, इज द रॉन्ग आंसर। सॉरी। ये हिप्पोपोटामस है। सर ये हिप्पोपोटामस है, I'm so sorry. अफ्रीका का मुख्य रूप से एक शाकाहारी जीव है ये। इसका अंग्रेजी नाम ग्रीक से आता है, जिसका अर्थ होता है रिवर हॉर्स। इसी से इसका हिंदी नाम दरियाई घोड़ा आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत समय पानी में ये बिताता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पानी के नीचे सांस नहीं ले सकता है। हिप्पोपोटामस, काफी देर तक आप देखती रही उस तस्वीर को, उनको लगा शायद आपने पहचान लिया होगा। ओ गॉश, आज आप यहां से केवल 10,000 रुपए ले जाएंगे प्रियंका जी। ठीक, बट आपके साथ बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले इनकी जीती हुई रकम को हम ट्रांसफर करेंगे। तालियां बजाएं इनके लिए। प्रियंका शर्मा, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 10,000, 1, 2, 3 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। इसी वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट प्रियंका जी, हमको
the khel yahi samapt hoga and bad luck to all the contestants but keep trying to ek baar phir taaliyon ke sath unki hum vidai lete hain thank you so much for having me thank you so much thank you so much तो बड़ा कष्ट हो रहा है ये बोलते हुए कि आज का समय और ये दौर यहीं समाप्त होता है कल से ज़िंदगी पहले जैसे हो जाएगी आप सपनों के संघर्ष में जुट जाएंगे और हम भी जीवन के रोज़मर्रा कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे लेकिन ये जो हॉट सीट है ये हॉट सीट देवियों सज्जनों अगले कुछ महीनों तक ऐसी ही रहेगी खाली और बिल्कुल अकेली इस मंच पर खेल के दौरान सभी का ध्यान इस हॉट सीट पर होता था कि हॉट सीट पर बैठा खिलाड़ी कैसे खेलेगा हॉट सीट पर कौन आएगा हमारी बारी आएगी भी या कि नहीं लेकिन आज मेरे जाने के बाद जब यहाँ सारी लाइट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी तो ये हॉट सीट सबके ध्यान से दूर अंधेरे में रह जाएगी और ये अंधेरे में तब तक रहेगी जब तक आपके ज्ञान की रोशनी जो है वो इस पर नहीं पड़ेगी आपके जीवन में सपने हैं मंजिल हैं त्यौहार है लेकिन इस हॉट सीट के जीवन में केवल और केवल आपका इंतज़ार ही है आप कितना भी कहें कि आप हॉट सीट पर अपनी पहचान बनाने आए हैं लेकिन देवी और सज्जनों सच तो ये है कि इस हॉट सीट की पहचान आप अपनी पहचान से कोई भी ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता और यही वजह है कि ये हॉट सीट फिर से आपकी होगी बस कुछ ही महीनों की तो बात है हम फिर यहाँ होंगे ये हॉट सीट भी यही होगी और आप भी इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं हम बहुत जल्द एक नए दौर के साथ आपसे फिर मिलेंगे शुभरात्रि 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 गुड नाइट डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू Thank you.